नमस्कार। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी वेजिटेबल पैटीज। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। के लिए मैंने लिया है आधा कप गेहूं का आटा। इसमें हम डाल रहे हैं अजवाइन दो चुटकी या आधा छोटी चम्मच, नमक लेंगे टेस्ट के अनुसार, और एक चम्मच मैंने लिए है घी। तो इन सभी चीज़ों को मिला के डो तैयार कर लेंगे। बड़े से बर्तन में डाल लेंगे गेहूं का आटा, अजवाइन को हल्का सा सरप करके डाल लेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार, घी डाल लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। डो को हमें बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंथना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं गूंथना है। आटा हमने अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसे ढक के हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक इसके लिए हम तैयार कर लेंगे स्टफिंग। ये हमें चाहिए शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, ग्रीन बीन्स, बीज निकले हुए टमाटर, फूल गोभी, साथ ही चाहिए हमें फ्रोजन मटर। इन सभी सब्जियों को मैंने अच्छे से धो लिया है और धो के छील के लंबाई में कट करके लिया है। आलू लिया है, कच्चा आलू लिया है, इसे अच्छे से इसे भी मैंने धो लिया है और धो के लंबाई में कट कर लिया है। चीज़ लिया है मैंने आधा कटोरी। खड़ा जीरा डालेंगे एक चम्मच, नमक लेंगे टेस्ट के अनुसार, अमचूर का पाउडर लिया है एक चम्मच, धनिया पाउडर लिया है दो चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है एक चम्मच, तीन हरी मिर्च लेंगे बहुत ही बारीक कटी हुई, अदरक लिया है इस साइज़ का, इसे भी मैंने कूट लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं इसमें एक चम्मच। अगर आप इसे तीखा बनाना चाहते हैं तो एक चम्मच तीखा लाल मिर्च भी डाल लेंगे। तो चलिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में एक चम्मच तेल गर्म करने रख लेंगे। फ्लेम इसका हम मीडियम रखेंगे। सबसे पहले डाल देंगे जीरा, खड़ा जीरा, हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, अदरक डाल देंगे कुटा हुआ। अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटा सा प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज स्किप कर देंगे। इसे हल्का सा भून लेना है। अब इसमें आलू डाल देंगे और अच्छे से इसे हमें भून लेना है। इसे ढक के पकने देंगे एक मिनट के लिए। आलू हमने कच्चा लिया था इसलिए इसे हमें ढक के थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है आलू को। एक मिनट हो गया है, आलू भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें सूखे मसाले मिला लेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया का पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर एक चम्मच, नमक डाल लेंगे टेस्ट के अनुसार और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें सभी सब्जियों को डाल लेंगे, फ्रोजन मटर, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ग्रीन बीन्स, और सभी को अच्छे से हमें भून लेना है मिलाते हुए। मीडियम फ्लेम पे हमने सब्जी को अच्छे से भून लिया है और ये तैयार हो चुका है। गैस बंद कर लेंगे। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं वेजिटेबल पैटीज। इसके लिए सबसे पहले हम तेल चढ़ा लेंगे। तो तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म करने रख लिया है। इसके लिए एक चम्मच मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका थिक बैटर बना लेंगे घोल। ये हमने मैदा घोल के रख लिया है। अब आटे को लेंगे, थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर लेंगे और अब इसकी हम छोटी 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 लोई कट कर लेंगे। अब एक लोई लेंगे, बाकी की लोई बाउल में रख देंगे वापस ताकि सूखे ना। इसे हमें लोई जैसा बना लेना है और पूड़ी के जैसा बेल लेना है। तो इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगा के या फिर हल्का सा आटा लगा के बेल लेंगे पूड़ी जैसा। इसे हमने बेल लिया है। अब इसमें एक तरफ स्टफिंग रख लेंगे। हल्का सा मोजरेला चीज़ डाल लेंगे ऊपर में। अब इसे हाथ से प्रेस करते हुए फोल्ड कर लेना है, दबा लेंगे। साथ ही जो हमने मैदे का ग्लू तैयार किया है इसे लगा लेंगे सब तरफ। अब इसे फोल्ड कर लेंगे इधर से भी
लेफ्ट साइड से और राइट साइड से फोल्ड करके इसे वापस से रोल कर लेना है। हल्के हाथ से घुमा लेंगे और ऐसे ही हमें सभी को बना के रेडी कर लेना है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, मीडियम फ्लेम पे इसे डाल लेंगे। हल्का सा एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर इसे हमें पलट लेना है और जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हम बाकी के भी बना के रेडी कर लेंगे। अब इसे पलट लेंगे धीरे से, दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकने देंगे। फ्लेम का भी ध्यान रखेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। रेडी हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। बाकी के भी पीस ऐसे ही हमें डीप फ्राई कर लेना है। बाकी के भी पीस रेडी हो गए हैं तो सभी को प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी वेजिटेबल पैटीज बन के तैयार है। पैटीज को मैदे से बनाते हैं और साथ ही से बेक करके बनाते हैं, तो मैं इसे हेल्दी बनाने के लिए गेहूँ के आटे से बनाई हूँ और साथ ही से डीप फ्राई करके बनाई हूँ। तो इस तरीके से भी आप बना के एक बार ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे मेरे इंस्टाग्राम पेज जायका विद कुलेश पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।